मैं उसका बैग पकड़ती थी। राखी तेरी औकात है कि तू अपना बैग मुझसे पकड़वा के दिखा दे? आज आपकी औकात है, आप मुझसे एक सामान भी उठवा के दिखा दो। तो बोलने से पहले ना सोच समझ के बोलना। एक नंबर की झूठी, तुमसे कभी पैसे निकले हैं? चैलेंज करती हूँ, 8 साल जितना मैंने तुमको फ्री दिया है ना, अभी के अभी पैसे लाके दो। गूगल पे करो, चेक दो या कैश भेज दो, इसी टीवी मसाला के पास पैसे भेज दो, मैं सामने से मांग रही हूँ। दुनिया तुम्हारी जैसी भिखारी नहीं है। तो उनका क्लास है ना, तनुश्री दत्ता का क्लास, बहुत हाई क्लास वाली लड़की है वो तुम्हारी जैसी भिखारी नहीं है कि कहीं पर भी जाके कुछ भी मांग के ले लेगी। अब राखी सावंत चाहती ही नहीं है कि उनको अबाया पहनना है, किसी ये धर्म का कार्ड खेलना आप बंद करो, क्योंकि आप एक नास्तिक लड़की हो, नास्तिक औरत हो, आप एक काफिर हो। लेकिन मैं फिर भी एक सलाह देना चाहूँगी, राखी को बायोपिक नहीं, क्राइम पेट्रोल के एपिसोड बनाने चाहिए। इतना क्राइम किया है ना तुमने लाइफ में, अब आपका खेल खत्म है, अब आप जेल जाओगी। ये राश्री मोरे बोल रही है, आप जेल जाओगी। ये राश्री मोरे बोल रही है, आपने पूछा ना कौन राश्री मोरे, राश्री मोरे को कौन जानता है? वापस आओ, मैं बताती हूँ राश्री मोरे कौन है। इधर आओ मेरे सामने। राश्री, आप यहाँ सब्जियाँ खरीदने आई हैं, हमको आपसे जानना था कि पप्पा आपके घर में बैठे हैं लेकिन फिर भी राखी जाते जाते बहुत कुछ बोलकर गई हैं फिलहाल मैसूर जाने से पहले। जैसे कि सबसे पहली बात तो राश्री मोरे कौन है, मेरे पीछे बैग लेकर चलती थी, वेल इस बारे में क्या कहना चाहिए? राश्री मोरे कौन है, राखी को बहुत अच्छे से पता है कि राश्री मोरे कौन है। वही लड़की है जो उसको निवाले खिलाती थी, वही लड़की है जो उसका ध्यान रखती थी, वही लड़की है जो उसकी मम्मी के साथ, वो जब परेशान थी मम्मी के टाइम पे, वही लड़की जो राश्री मोरे खड़ी भी थी। आदिल के टाइम पे भी राश्री मोरे ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था, जैसे राखी कहती थी वैसे ही चलती थी। वही राश्री मोरे है जो तुम्हारी माँ बन के बैठी थी। आज वो बोल रहे कि राश्री मोरे कौन है और कौन जानता है राश्री मोरे को, तो पूरी दुनिया जानती है राश्री मोरे को। सबसे पहले तो राखी बहुत अच्छे से जानती है, और इस टाइम राखी को डर लग रहा है राश्री मोरे को, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है राश्री मोरे क्या चीज़ है और कितना सच है राश्री मोरे के पास, और क्या बैग लेके खड़ी रहती थी। राश्री मोरे ने राखी सावंत का बैग उठाया, राश्री मोरे ने राखी को निवाले खिलाए, राश्री मोरे ने राखी को जब पेन होता था वो दवाइयाँ खिलाई, राखी मोरे ने राखी को जब उसके बॉडी में पेन होता था तब भी उसको कहीं ना कहीं दबा के देती थी, उसको उसकी माँ बन के बैठी थी ना। तो आज राखी इतनी बड़ी बात बोल रही कि राश्री मोरे कौन है, मैं उसका बैग पकड़ती थी। राखी तेरी औकात है कि तू अपना बैग मुझसे पकड़वा के दिखा दे? प्यार में कुछ भी करवा सकती हो आप, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी, मैं आपको दोस्त मानती थी। आज आपकी औकात है, आप मुझसे एक सामान भी उठवा के दिखा दो। तो बोलने से पहले ना सोच समझ के बोलना। उन्होंने कहा कि पहले वो मुझे अपने सैलून में सर्विस देती थी, जिसके मैं पैसे देने के लिए बोलती थी, लेकिन राश्री मुझसे पैसे नहीं लेती थी। और अब उन्होंने तनुश्री को पैकेज दे के रखा है, तभी तनुश्री जो है वो राश्री और आदिल के साथ बोल रही है। तो जब तनुश्री का भी पैकेज बंद हो जाएगा तो तनुश्री के अगेंस्ट भी राश्री बोलने। मैं फिर से राखी सावंत को बताना चाहूँगी, ये जो राखी सावंत सबके बारे में गलत बोल रही है कि वो पैसे देना चाहती थी और मैं पैसे नहीं लेती थी, एक नंबर की झूठी, तुमसे कभी पैसे निकले हैं? चैलेंज करती हूँ, 8 साल जितना मैंने तुमको फ्री दिया है ना, अभी के अभी पैसे लाके दो। गूगल पे करो, चेक दो या कैश भेज दो, इसी टीवी मसाला के पास पैसे भेज दो, मैं सामने से मांग रही हूँ। ये ड्रामे बंद करो। और रही बात तनुश्री दत्ता की, जो आप उनको बोल रहे हो, तो उनका क्लास है ना, तनुश्री दत्ता का क्लास, बहुत हाई क्लास वाली लड़की है वो तुम्हारी जैसी भिखारी नहीं है कि कहीं पर भी जाके कुछ भी मांग के ले लेगी। वो बकायदा मेरे नेलार स्टूडियो में आते हैं, मुझे पे करते हैं, जो भी सर्विस होती है उसका पे किया जाता है। तो दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना बंद कर दो। दुनिया तुम्हारी जैसी भिखारी नहीं है, जो पूरे दुनिया के साथ जो कोलैब कर रही हो ना। वन मोर थिंग, अब इनको अबाया नहीं पहनना है। ये जो नए ड्रामे स्टार्ट हुए हैं, अब राखी सावंत चाहती ही नहीं है कि उनको अबाया पहनना है, इस वजह से ये सब नाटक चल रहे हैं कि मुझे अबाया के लिए बोला जाता है। तो क्यों ना बोले हम, धर्म का खेल किसने बना के रखा है? आपने। ऊपर से बोलती कि आदिल आरती करने के लिए क्यों गया? ये धर्म के कार्ड खेलना बंद करो राखी सावंत।
ये हम इंडिया में रहते हैं, अगर देखिए मुझे नाम नहीं लेने चाहिए, वैसे आप शाहरुख खान जी को देखिए, सलमान सर को देखिए, उनके घर पे तो गणपति आते हैं, राइट। दिल से होता है धर्म अपनाना, किस ये धर्म का कार्ड खेलना आप बंद करो, क्योंकि आप एक नास्तिक लड़की हो, नास्तिक औरत हो, आप एक काफिर हो, समझी आप। उन्होंने ये भी कहा है कि सेलिब्रिटी बनने के लिए राजश्री और आदिल ने सिर्फ सेलिब्रिटी बनने के लिए बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए एक सीधी सादी लड़की का फ़ायदा उठाया है और उस फ़ायदा को उठा के अपना नाम बनाने की कोशिश की। सबसे पहले आप मुझे बताइए आप किस सीधी सादी ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? राखी अपने बारे में। अच्छा, राखी सीधी सावंत है, सीधी सादी है राखी सावंत। ओ माय गॉड, आज का सबसे बड़ा जोक यही है कि राखी सावंत सीधी सादी है। पहले तो वो लॉयल थी, मैं लॉयल हूँ, एंड उसके बाद क्या था कि मैं सीधी हूँ, मैं भोली हूँ, अब वो सीधी सादी है। अभी कल की बात, कल एक गाड़ी में वो आए थे, उस गाड़ी को क्या बोलते हैं, क्या कुछ था ना, क्या थी गाड़ी, उसको जेसीबी कहते हैं, वो कचरा उठाने गाड़ी वाली जो है, तोड़फोड़ जो कर, ये से जो लोगों के घर तोड़ती है, उस गाड़ी को लोगों के घर तोड़ने के लिए बुलाया जाता है, और उस गाड़ी में राखी सावंत घूम रही है, क्योंकि ये भी सबके घर तोड़ती है, सीधी साधी राखी सावंत। ओके, डाउरी केस डाला है आदिल के अगेंस्ट आज उन्होंने मैसूर में, ये कहकर कि उनके फैमिली वालों ने और आदिल ने उनसे डाउरी की डिमांड की है, इस बारे में ये झूठे एलिगेशंस है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अब उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग उनको दिमाग दे रहे हैं और वैसे वैसे वो चल रही है, ठीक है आप डालो, सच और सच का सच, झूठ का झूठ पता चल जाएगा राखी सावंत, अब आपका खेल ख़त्म है, अब आप जेल जाओगी, ये राश्री मोरे बोल रही है, आप जेल जाओगी। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो बायोपिक भी बन रही है राखी सावंत की, आपका तो बहुत अहम किरदार होना चाहिए उनके बायोपिक में, 8 साल की दोस्ती और उसके बाद में ये जो दुश्मनी है, क्या लगता है किसको लेना चाहेंगी राखी सावंत आपका किरदार निभाने? अगर रियल बायोपिक बन रही है तो मुझे ही लेना चाहिए मेरा रोल करने के लिए, मेरा रोल मुझसे अच्छा कौन कर सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छे से बेहतरीन अपना रोल निभाऊंगी, क्योंकि सच्चा वाला रोल निभाना है ना, सिर्फ सच बोलना है। अब राखी की बायोपिक भी झूठी होगी तो कोई झूठे एक्टर ही होंगे उसके अंदर, लेकिन मैं फिर भी एक सलाह देना चाहूँगी, राखी को बायोपिक नहीं, क्राइम पेट्रोल के एपिसोड बनाने चाहिए, इतना क्राइम किया है ना तुमने लाइफ में राखी सावंत, 5 साल तक भी तुम्हारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड ख़त्म नहीं होंगे, इतना मसाला है तुम्हारे पास, इतना क्राइम तुम्हारा खुद का तुम्हारे पास है। तो लेकिन वो अपने बायोपिक में आलिया और विद्या बालन को लेना चाहती हैं उनका रोल, ये तो राखी चाहती है ना, किसी ने आलिया और विद्या बालन से पूछा कि वो क्या चाहते हैं? वैसे तो देखिए मैं अमिताभ बच्चन को जानती हूँ, क्या अमिताभ बच्चन मुझे जानते हैं? सवाल ये है, राखी सावंत तो कुछ भी बोलेंगे, उसका तो मुँह ही बस, अब क्या अब मेरे घर पे गणपति है, गंदी लैंग्वेज का, गलत लैंग्वेज का मैं यूज़ नहीं करना चाहती, ना मैंने कभी किया है, बट हाँ बहुत जल्दी 2 दिन के अंदर मैं बाहर आऊँगी और मैं भी बताऊँगी राखी सावंत कि तुम जेल कैसे जाओगी, तुम्हारे लिए मैंने यहाँ क्या पकवान रेडी करके रखे हैं। क्लास की बात की है राखी सावंत ने कि राजश्री का क्लास क्या है, राजश्री क्लास बोलती है, राजश्री बोलती है मेरा क्लास है, तो उसका क्लास क्या है? आप मेरा क्लास दिखा सकते हैं? ये मेरा क्लास है, ये देखिए, और राखी कौवा, और पूरे एयरपोर्ट के कौवे पे जो ऐसे ऐसे मंडरा रही थी, कौवा बन के जो घूम रही थी ना, और राखी कौवा है, और कौवे के कहने पे किसी का कुछ नहीं होता, अगर कौवा श्राप देता है ना तो वो ज़ीरो होता है, और कौवे को भी तो आपको पता है हिंदू धर्म में कौवे को पितरू का खाना खिलाया जाता है, राखी वो कौवा है। इसी के साथ उन्होंने एक बद्दुआ भी दी है कि सब कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़कर मरेंगे, सब सड़ के मरेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे सताया है, एक सही लड़की को गलत साबित किया है और उनके उसके करियर को बर्बाद किया है। कौन सा करियर, जो कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ था, जो जिम के नीचे ड्रामे करती थी वो करियर, या लोगों के ऊपर एलिगेशंस डालती थी वो करियर, या जो दिन भर लोगों से भीख मांगती थी वो करियर, कौन सा करियर जो चालू नहीं आता उसको हमने ख़त्म किया,
एंड कौन सी चीज़, कीड़े पड़ने वाली। सच में राखी सावंत, दम लगा लो, जोर लगा लो, जितनी चाहिए, जितने श्राप देने हैं, बदुआएं देनी है, कीड़े मकोड़े सांप वाप जो लेके आ सकती हो आप लेके आइए, आप जेल जाओगी, आपका काल आ चुका है। ये राश्री मोरे बोल रही है। आपने पूछा ना कौन राश्री मोरे, राश्री मोरे को कौन जानता है, वापस आओ, मैं बताती हूँ राश्री मोरे कौन है। इधर आओ मेरे सामने। थैंक यू राजश्री, थैंक यू।